तो भाई साहब बड़ी मशक्कत के बाद फाइनली ये लग चुके हैं। इसमें मैंने रैप करवाया था ब्लू का, बाकी जो पुरानी ऑडियंस है उसे तो पता ही है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग जोजो मोटो व्लॉग्स। तो काफी दिन बाद ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा, बताएंगे नहीं, फिर भी मैं बता दूं, मैंने अपनी केटीएम आरसी 200 के लिए मंगाया था साइड बैंग्स जो कि इंस्पायर्ड है कुछ डुकाटी लुक में। तो चलिए और वो प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट दिखाता हूँ। अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है, मैंने पहले ही निकाल के देख लिया था, बिकॉज ऐसी चीजों को देख लेनी चाहिए, कुछ दिक्कत हो तो रिप्लेस कर दो, तो मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग कर दी थी। चलिए प्रोडक्ट दिखाता हूँ, फिर इनको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और साइड में खड़ी आर्म साइज है, तो दोनों पे हम लोग इंस्टॉल करके देखेंगे लुक किसमें बेटर आता है, मतलब ऐसी बाहर टेप से लगा के देखेंगे कि लुक कैसा आ रहा है, और बाकी अगर अच्छा लगा तो फिर एक और मंगा लेंगे अपनी आर एन 5M के लिए। तो अभी दोनों में ट्राई करके देखेंगे साइड बाय साइड। तो चलिए इसको खोल के मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये ऑर्डर अमेज़न आया था, ये रहा, और ये इसका लुक कुछ ऐसा है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी क्वालिटी बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आई मीन इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई मीन ऐसा पतला सा नहीं है कि ये फोल्ड नहीं हो रहा है, काफ़ी सॉलिड है। और ये ब्रांडिंग है, चलिए ये 3M टेप लगा हुआ है, ये देख लीजिए। पहले बाहर से टेप से लगा के लुक देखेंगे कैसा लग रहा है और पोजीशन देख लेंगे, पोजीशन ठीक है कि नहीं। तो देखिए धूल लगी हुई है, धूल के रखी थी मैंने, लेकिन खड़े खड़े घर के अंदर धूल आ जाती है, आप क्या ही कर सकते हैं। बाकी स्क्रैच लेस है, कहीं भी एक सिंगल स्क्रैच नहीं मिलेगा, एक साल से ज़्यादा हो गया बाइक को और अभी भी बिल्कुल क्लीन। और ये देखिए टायर पूरे न्यू लग रहे हैं। बाइक की केयर करो तो बाइक अच्छी रहती है, केयर नहीं करोगे तो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले सोचते हैं एक, क्योंकि ज़्यादा पीछे लगाएंगे तो फिर सामने से दिखेगा नहीं, थोड़ा फ्रंट में ही लगाएंगे ताकि दिखे, आई मीन जैसे ये यहाँ पे ये डिज़ाइन है ये तो इसी पे ऐसा सोचेंगे कि कुछ ऐसा आ जाए, ज़्यादा आगे भी नहीं लगा सकते अपन। चलिए टेप लाते हैं पहले और फिर इनको लगा के देखते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन में कहाँ अच्छी, दोनों साइड लगाएंगे तो समझ में आएगा, ज़्यादा पीछे नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा आगे ही लगाना पड़ेगा। तो फिर ये करके इसका लुक और इसको साइड में लगाते हैं दोनों को, फिर देखते हैं, वरना थोड़ी और आगे लगा देंगे अगर पीछे लग रहा होगा। देखो दोनों लगा दिए हैं, लुक कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं एक ये लगा है ऊपर से, अगर दिखाऊँ तो लुक ऐसा आ रहा है, थोड़ी आगे पीछे लगा हुआ है अभी। और अगर बात की जाए लुक की तो काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है, मुझे लगता है कि ये वाला लुक ज़्यादा ठीक लग रहा है, ज़्यादा पीछे नहीं लगाता, आगे ही लगाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये, और यहीं पर ठीक लग रहा है मेरे को, तो मतलब पीछे भी नहीं लगाते क्योंकि आगे से अग्रेसिव दिखना चाहिए, तो जितना आगे होगा उतना ही ज़्यादा अग्रेसिव दिखेगी। ये लुक थोड़ा आगे करके लगाया मैंने, ज़्यादा आगे हो गया मुझे लगता है, क्योंकि ऊपर देखो कैसा लग रहा है, ऊपर से कुछ ऐसा आ रहा है लुक, और साइड से बैकग्राउंड ठीक ना है तो दिख ना रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया मुझे लगता है, ये कुछ ऐसा आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया, इसको हल्के पीछे लगाते हैं, अब इसमें ट्राई करके देखते हैं। तो भाई साहब अपने गोप्रो का जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया, अपने यूपी बांदा में इतना ज़्यादा गर्मी है कि 5 ही मिनट मैंने शूट किया है और ये ऑफ हो गया है, अभी ऑन किया है, तो फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये देखिए कैसा लग रहा है इसमें लुक, मैंने अभी टेम्परेरी इसको ऐसे टेप से चिपका के देखने के लिए लुक लगा दिया है, तो ये ऊपर से लुक कुछ ऐसा आ रहा है, और वाइड में दिखाऊँ ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है फ्रंट से, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी अच्छा ही लग रहा है, मतलब काफ़ी बल्की बल्की दिख रही है, अगर लाइव देखें कैमरे इतना जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन लाइव देखें तो काफ़ी ज़्यादा बल्की और बिग भी फील हो रही है। और इसकी बात करें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो दोनों पे ही अच्छी लग रही है, तो इसके लिए भी मंगा ही लेंगे बाद में, लेकिन अभी हम इंस्टॉल करेंगे अपनी RC 200 और इसके लिए दोबारा बाद में मंगा लेंगे। तो इसको लगाते हैं यहाँ पे, ये पूरी अलाइन करके ऊपर वाली लाइन, ये ज्वाइंट थोड़ा देखो नीचे को ऐसा लुक आ रहा है, पूरा सीधा ऐसे नहीं लगाएंगे, हल्का ऐसे ही लगाएंगे, सामने से खतरनाक दिखेगा ये, फिर हम इसको ऐसे अलाइन कर सकते हैं ये व्हाइट वाली, तो भी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आप, एक दफे देख लूँ दोनों साइड से फिर दिखा। तो एक तरफ का हमने चिपका दिया है बहुत ही मेहनत से भाई साहब, एक तो अकेले में बहुत दिक्कत होती, वीडियो बनाओ कि इसको सेट से लगाओ, तो वीडियो तो नहीं बना पाया मैंने, लगा दिया है। और देखिए अगर इसमें कोई झूल जाएगा तो निकल ही जाएगा, वैसे ऐसे चलाने पे तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर कहीं अकेले पे खड़ी करेंगे और किसी को चुल होगी ना तो वो पकड़ के खींचेगा ना तो निकल जाएगा। बाकी मैंने इसको पूरा मिला के लगा दिया है, इधर का भी टेप से लगा हुआ है तो ये निकाल दिया। तो चलिए इस साइड भी लगाते हैं इसको, इधर से ऐसा आ रहा है, इस साइड भी लगाते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई साहब बड़ी मशक्कत के बाद फाइनली ये लग चुके हैं और काफ़ी अच्छे से पूरा ये व्हाइट लाइन से मिला के लगाया है, और ये ऊपर देख सकते हैं। और तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा, मैंने वो लोकेशन चेंज कर दी क्योंकि वहाँ पे सही से दिख नहीं रहा था, तो ये लोकेशन
पे अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए लगा दिए हैं और ये कुछ ऐसा लग रहा है सामने से देखने में, क्योंकि सच में अच्छा लग रहा है। कैमरे में नहीं जस्टिस हो रहा होगा, लेकिन लाइव में सच में थोड़ा बिग बिग फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ से अगर इस एंगल से देखें तो ऐसा दिख रहा है, वाइड करूँ इस एंगल से ऐसा दिख रहा है। और देखिए दोनों बराबर से ही दिख रहे हैं, ये अगर ये कोने देखे जाए ये और ये पूरा सीधा है, क्योंकि मैंने पूरा नाप के लगाया है, मैंने कहा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और ये लुक कुछ ऐसा आ रहा है, और साइड से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो साइड से कुछ ऐसा आ रहा है, और बैक से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बैक से कुछ ऐसा आ रहा है ये लुक। और R15M के लिए भी सोचूंगा, क्योंकि उसमें भी अच्छा लग रहा था। और अब देखते हैं कि कितने दिन तक चलता है ये, बिकॉज ये कुछ आर्टिफिशियल टाइप का ऐसा बिल्ड नहीं है, ना फिक्स है। 3M टेप है, अगर कोई छेड़खाड़ी करेगा कहीं, मतलब अब हम लोग जाते रहते हैं मार्केट साइड खड़ी कर दी, तो कोई छेड़छाड़ के चक्कर में अगर यहाँ पे ज्यादा प्रेशर डालेगा ना, तो देखो ये अभी मूव हो रहा है, निकलेगा नहीं इतनी जल्दी, चलाने में तो नहीं निकलेगा, लेकिन कोई जबरदस्ती निकालेगा तो निकल जाएगा। तो ये है कुछ इसका लुक, कमेंट्स करके बताइए कैसी लग रही है। और नेक्स्ट जब मैं ये विंग इसके लिए मंगवाऊंगा तो इसकी भी इंस्टॉलेशन के वीडियो बना के दिखाऊंगा, और लुक बताइए कैसा लग रहा है बाइक का, ये R15M का लुक देखिए ब्लू कैसा लग रहा है। लुक नई ऑडियंस है तो उसके लिए बता दूं, इसमें मैंने रैप करवाया था ब्लू का, बाकी जो पुरानी ऑडियंस है उसे तो बताइए। एंड बाकी ये अपना कैसा लग रहा है लुक दोनों बाइकों का कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।